आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मौलिक विद्युत विद्युतिक पदार्थ। तो इसके अंदर अपने विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत क्या होती है? विद्युत एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो नॉर्मली आजकल क्या है, सभी जगह यूज होती है, जैसे घरों में, अस्पतालों में, सड़कों पर, हर जगह इसी का यूज होता है। इसके बारे क्या, नहीं तो अंधेरा छा जाएगा, ये नहीं होगी। तो विद्युत क्या होती है? इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। तो इसके अंदर आवेश क्या है? आवेश क्या है? एक अदृश्य बल है जिसके कारण क्या करती है, प्रत्येक वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, वो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं अपने छोटा सा, जैसे कोई प्लास्टिक का स्केल ले या कोई कंघा ले, उसको बालों पर कुछ देर रगड़े और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उसके ऊपर रखे तो क्या करेंगे, वो कागज के टुकड़ों को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, जो भी प्लास्टिक की चीज या कोम या कोई स्केल हो। तो क्या क्या बालों के ऊपर कंघे को रगड़ने से क्या आ गया, उसके अंदर एक अदृश्य फोर्स आ गया जिसके कारण क्या कर रही है, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये होता है आवेश, जिसे अदृश्य बल है। तो इसके बाद क्या, परमाणु। परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा रूप क्या होता है? परमाणु होता है। तो परमाणु, परमाणु जब बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो उसके बाद क्या मिलता है, अणु बन जाता है। तो अणु बन जाता है तो हम बहुत सारे अणु मिलते हैं तो उसके बाद बनता है पदार्थ। तो परमाणु की संरचना में क्या होता है? परमाणु की संरचना में इसके नाभिक में होता है प्रोटोन और न्यूट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहरी चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे होते हैं कक्षा में, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो कक्षा है इसको कक्षा या कोष कहते हैं। जैसे सौर मंडल में चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे शुक्र मंगल जो भी ग्रह है उस चारों तरफ सूरज के चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक के चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये था इसका बेसिक चैप्टर का।